করে পালন করছে কিন্তু তার পরবর্তীতে বোলিং মার্কে অজয় আর একজন চ্যালেঞ্জের বোলার শুরু হচ্ছে সেমিফাইনাল ম্যাচ হাই ভোল্টেজ একটা ম্যাচ মেহরুন সাজ্জান প্রথম বলটা হাত ধরে খেললেন যাতে বলে সংযুক্ত আসলো না প্রথম বল থেকে ডট বলটা আসলো প্রেশার বাড়ছে চাপ বাড়ছে এবারে যাতে বলে সংযোগ এবং সাজাবটা আসলো মেহরুন সাজ্জানের নামে প্রথম বলটি ওয়েলকাম বলটি সুস্বাগত সেমিফাইনাল ম্যাচে আপনাদের সকলকে এটা জানান দিলেন মেহরুন সাজ্জান एक और बार गति का परिवर्तन करते हुए तो परिवर्तन संसार का नियम है और वो नियम अच्छी तरीके से जानते हैं ये गेंदबाज तो बहुत बॉलिंग फिर से सचिन मेहरुन एग्रेशन आश्वासन विश्वास का एक और नाम मेहरुन सचिन है मिलेगा चौका कितने आदमी थे दो चौका छोड़ चुका है सज्जन मेहरुन सज्जन मेहरुन अभी बार बार रिवर्स खेलने का प्रयास गति से बीच होते हुए एकदम चढ़ में गेंदबाजी कर रहे हैं राइट ऑन लेंथ बराबर इसके साथ चौक को अंतिम गेंद लेकर बोली मार्क पे यहां पे एक और बार शॉट आएगा 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 अगेन जाएगा सीधा सीमा रेखा पार मिलेगा चौका इसके साथ पहला ओवर कंप्लीट होता हुआ एक ओवर के बाद टीम का स्कोर 12 स्ट्राइक पर आला यहां पे पहला ही गेंद सीधा फील्डर के हाथ में फील्डमैन गोपाल वहां पर पकड़ते हुए तो पहला गेंद डॉट गेंद शुरुआत होता हुआ बोलिंग मार्क पर अक्षय शर्मा क्या शर्मा जी का बेटा एक बार फिर से चमकेगा तो बोलिंग मार्क पर शर्मा जी का बेटा अक्षय शर्मा लगातार दो बिंदी गेंद आला बिल्कुल खामोश है और अली एंटरप्राइज का समर्थक एकदम चुपचाप खेलने का बाहर का गेंद रिवर्स खेले हैं पीछे बीमल सिंह टाइगर गेंद को पकड़ रहे हैं आला क्या प्रेशर में आ गए क्या दबाव महसूस कर रहे हैं यहां से विश्वास जताना जरूरी है विश्वास जब जताएंगे इतिहास कभी रचेंगे आला गेंदबाज करते हैं आला रिवर्स खेलेंगे एक बार फिर से फंसा है आला अभी तक पूरी तरह से खामोश आला स्ट्राइक पर क्या कमाल कर पाएंगे यहां पे एक और बार ये ऋतिक शर्मा है और क्यों मैं कहता हूं शर्मा जी का बेटा ट्रेंडिंग पे चल रहा है पूरे भारत में चाहे रोहित शर्मा हो और चाहे ऋतिक शर्मा हो यहां पे एक और बार ऋतिक 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 रोशन के अंदाज में गेंद को डालेंगे और कहेंगे हिम्मत है दमखम है तो चौका लगा कर दिखाइए और ये पहला ही गेंद गति का परिवर्तन ऑन द राइस खेलने का प्रयास था रिवर्स खेलने का प्रयास था तो बीच होते हुए डॉट बॉल आता हुआ यहां पे एक और बार अब की बार दूसरी बार लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा बोलिंग मार्क पे अजॉय यहां पे एक और बार जगह एकदम अच्छा लाइन और नेट बराबर सचिन मेहरुन एक और बिंदी के प्रेशर बढ़ता हुआ आली एंटरप्राइज दबाव में प्रेशर में और दबाव ये शब्द जितना छोटा है इसका महत्व उतना ही बड़ा है क्योंकि अपना नाम लिख पाएंगे सचिन मेहरुन ये इस टीम की जान है नाम इनका शाहजहान है मेहरुन सचिन
यहाँ पे बैकफुट से पंच किया है एक और बार, अब की बार दूसरी बार। सर जी रुको जरा, सबर करो, मेहरून सज्जन के बल्लेबाजी पर बहुत अच्छा है। मेहरून सज्जन इज ऑन फायर, बैक टू बैक थ्री इन अ रो। अगर तीसरा ओवर कंप्लीट हुआ है तो स्ट्राइक के आला बोलिंग बाकी रितिक शर्मा চমৎকার ভাবে জায়গা বরাবর বোলিং চালাচ্ছেন মেহরুন সজ্জন। এবারে খেললেন কিন্তু চমৎকার ফিল্ডিং এফর্ট ওখানে গোপাল, ভালো কিছু করলেন সিলেন্সের সাথে একটা চেঞ্জ করে নিয়ে স্ট্রাইকে দ্য লোকাল বয় লোকাল হিরো মানকু স্ট্রাইকে চৌকা জোর চুকে হয় আমি তাক মাতু खेलने का प्रयास बीच होते हुए ये ऋतिक शर्मा स्पेशल है, और जब जब इनके खिलाफ आवाज उठाया गया है, जब जब इनके खिलाफ सवाल किया गया है, हर एक सवालों का जवाब दिया है ऋतिक शर्मा ने। और यहां पे विकेट गिरता हुआ, क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है? सज्जन मेहरून आउट होकर पवेलियन में, खेलने के प्रयास था, गेंद आ चुका है और अभी पूरी तरह से दबाव में प्रेशर है, सेट पर राहुल और इस बार स्वागत किया है सलमान खान के अंदाज में स्वैग के साथ, स्वैग से किया है इकबाल का स्वागत, स्वागत है आपका। सच में राहुल क्या कमाल कर पाएंगे? से बीच होते हुए ये स्नो बॉल का इशारा अतिरिक्त के खाते में एक रन जुड़ता हुआ। आप सभी देख रहे हैं राजा राम ट्विस्टर का पहला सेमीफाइनल, और पहले सेमीफाइनल में आपको ट्विस्ट भी मिलेगा, टर्न भी मिलेगा, स्विंग भी मिलेगा, सरप्राइज भी मिलेगा। स्ट्राइक पे राहुल, और जहां पे शॉट टेक है, जहां मामला बड़ा होता है वहां राहुल अकेला खड़ा होता है। राहुल नाम तो सुना ही होगा, राहुल खेलने का प्रयास बीच होते हुए कोर्ट पर लगा हुआ बिंदु के बॉल तैयार, खेला है सीधा फील्डर के हाथ में, रनआउट का चांस यहां से आगे का साथ मिलता हुआ, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पांच ओवर कंप्लीट होता हुआ, पांच ओवर के बाद टीम का स्कोर 44।
प्रयास और विकेट गिरता हुआ वो ड्यूटी जहां से विजय सरोज कम बैक करवाते हुए अपने टीम को बीजू और सपोर्टर यहां से कहते हुए अरे बीजू साहब अभी तक कहां थे आप, ये छुपे रुस्तम है क्योंकि उनके अंदर दमखम है बल्लेबाजी करने का और छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ये पैकेट जरूर छोटा क्यों ना हो धमाका बहुत बड़ा है। इसके साथ चौका और इनिंग्स की समाप्ति, पहले इनिंग्स के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 60 और टारगेट लक्ष्य 61 रन का।